मजदूरों के 1000 वेतन मासिक करना होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर देशव्यापी आम हड़ताल का असर अरवल में भी देखने को मिला। बंद के समर्थन में सुबह से ही कई संगठन के लोग सड़क पर उतरे। इसके तहत भाकपा माले, किसान सभा, आईसा, इनोस, एग्रामस, इनकलाबी कारवा, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी एवं अन्य कई संगठन के लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया। बंद को लेकर सुबह से ही कार्यकर्ता अपने संगठन के झंडे व बैनरों के साथ मांगों के समर्थन में नारा लगाते हुए शहर के विभिन्न सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस दौरान मोदी सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार की विनाशकारी नीतियों के कारण देश में अव्यवस्था की स्थिति कायम हो गई है। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश की आर्थिक स्थिति बदहाली के कगार पर पहुँच गई है। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन द्वारा किया गया आम हड़ताल ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन कर्मचारी, किसान, मजदूर, छात्र, युवा एवं महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन विरोधी एवं संविधान विरोधी विभाजनकारी एवं धार्मिक भेदभाव लाने वाले NRC CAA कानून को मोदी शाह की सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसके विरोध में देश के लोग खड़े हैं। किसान मजदूरों की चर्चा करते हुए किसानों के उत्पादित फसल का लाभकारी मूल्य और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन के कारण घंटों NH 110 तथा 139 जाम रहा, जिसके कारण वाहनों का परिचालन बाधित रहा। दूसरी ओर उर्था में ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उर्था बाजार के विद्रोही चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क मार्च कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की और सरकार द्वारा पेश किए गए NRC और CAA का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने विद्रोही चौक पर करीब 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रखा। जहानाबाद न्यूज़ के लिए अरवल से रविकांत की रिपोर्ट। आज ट्रेड यूनियनों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर किसान संगठनों ने पूरे देश में हड़ताल किया है और पूरे देश में आज बंदी है। हम लोग कुर्था में भी, अरवल जिला के कुर्था में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और बड़े पैमाने पर मजदूर और किसान एकताबद्ध होकर के भारत बंद किए हैं और हड़ताल में हम लोग शामिल हुए हैं। और जितने भी आशा, आंगनबाड़ी सहायिका और आशा कर्मी हैं, वो सब लोग मिल करके और एकताबद्ध होकर के और जो है हड़ताल किए हैं आज। और हड़ताल जो है पूरे भारत में सफल हुआ, भारत बंदी सफल हुआ।